हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बेसिकली आप लोगों के लिए शेयर मार्केट से एक दो शेयर लेकर आया हूँ। अगर सेक्टर की बात करें, ये ई कॉमर्स से बिलोंग करती है कंपनी। हर कंपनी के लास्ट दिन ट्रेड की बात करें, वहाँ पे अपर ग्रोथ रही है और लोएस्ट जो रही लास्ट दिन की बात करें हम, 51 रुपया 30 पैसा और हाइएस्ट 52 रुपया 10 पैसा रही है। हर कंपनी के देखें तो अभी प्रजेंट में बहुत ही स्थिति ख़राब है, लेकिन कि इन फ्यूचर ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होने वाला है। अगर किसी भी स्टॉक कि हम बात करें किसी भी शेयर की, वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगर कंपनी की हम बात करें हम, तो जोमेटो लिमिटेड के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इसको देखें तो अभी लास्ट दिन वो पहले भी बताए थे इसमें बहुत ही अच्छी होने वाला है, तो वहाँ पे जिस टाइम 48 पे ट्रेड कर रही थी, वहाँ पर बताया था कि अच्छा जा रहा, वहाँ से लेकर 56 करनी जर्नी बहुत ही ज़बरदस्त रही। जब ये ऑलमोस्ट 55 पे ट्रेड कर रही थी, वहाँ पर बोल रही है डाउन सर लोअर सर्किट लगने वाला है, तो उसमें शेयर लगा था लोअर सर्किट। तो उम्मीद है देख सकते हैं 51 पे ट्रेड कर रही है, ऑलमोस्ट 52 पे ट्रेड कर रही है। अगर कंपनी की देखें कैपिटल मार्केट की बात करें हम, यहाँ पर 44,000 करोड़ से हो कैपिटल मार्केट है। अगर कंपनी की बैलेंस शीट पर नज़र डालते हैं, जो जो ज़रूरी है, रिजर्व की बात करें, यहाँ पर कंपनी रिजर्व में इंक्रीजमेंट की, 2021 में जो कंपनी की रिजर्व रही थी वो 7,000 करोड़ से हो की टोटल रिजर्व, लेकिन कि कंपनी 2022 पर नज़र डाला है, यहाँ पे 16,000 करोड़ से अब की टोटल रिजर्व रही है। अगर उधार की बात करें, कंपनी का उधार 0 है। और इन्वेस्टमेंट देखें, यहाँ पे 2021 में जो रही थी 311 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट रही, लेकिन कि 2022 की बात करें, यहाँ पे 3500 करोड़ से अब की इन्वेस्टमेंट है। और टोटल एसेट पर नज़र डाला, वहाँ पर 17,000 करोड़ से अब टोटल एसेट है। कैश फ्लो पर नज़र डाला, यहाँ पर 125 करोड़ से अब की कैश फ्लो है। अगर कंपनी की हम बात करें एनुअली ग्रोथ में, तो कंपनी एनुअली ग्रोथ में बहुत ही आगे है। नेट सेल की बात करें, 2021 में 1700 करोड़ से अब की नेट सेल रही थी, और 2022 में देखें तो यहाँ पे 3600 करोड़ से अब की नेट सेल रही है। अदर इनकम की बात करें तो 500 करोड़ से अब की अदर इनकम आई। नेट प्रॉफिट देखें तो पहले के मुताबिक कंपनी लॉस में चल रही है, तो बेहतर है पहले स्थिति कंपनी की प्रजेंट में। तो आई होप आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कंपनी से दोस्ती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बेसिकली आपका डिसीजन है। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।